एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों के जो मेथड पेपर ज्योग्राफी से, इसके जो टॉपिक था हम लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एट एलिमेंट्री लेवल्स, यानी प्राथमिक स्तर पर भूगोल का महत्व। तो इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने, पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के साथ अपडेट हुए थे। इसके बारे में हम लोग जाना था कि किस तरह से प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भूगोल का महत्व किस तरह से समझाया जाता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कुछ पॉइंट के साथ। तो हम एक एक करके आप लोगों के समझ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें से पहला जो है, विद्यार्थी को भूगोल के विशिष्ट वितरणों से सामान्य की ओर अग्रसर होने में सहायता करना। यानी कि हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके थे कि ये जो प्राथमिक लेवल के जितने भी बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो जब वो किसी भी भूगोल के संदर्भ में किसी भी भौगोलिक विषय वस्तु का नाम जानते हैं तो उनके लिए वो विशिष्ट वितरण हो जाता है, और जब वे इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी रख लेते हैं तो वो सामान्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इसी कारणों से हम लोग कह सकते हैं कि विशिष्ट वितरणों से सामान्य की ओर अग्रसर होने के लिए भी भूगोल की जितने भी भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण है, भौगोलिक विषय वस्तु है, उसके बारे में बच्चे अपडेट और उससे जानने का कोशिश इसी सब्जेक्ट के माध्यम से करते हैं। दूसरा, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सौरमंडल, पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, अक्षांश देशांतर, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल आदि का ज्ञान विकसित करना। जाहिर सी बात है कि हमारे जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं सौरमंडल दो गर्भों से घिरा हुआ है। तो इनकी जो दशा है, इनके जो कार्य करने का स्तर है, पृथ्वी की गति के बारे में जो जानकारी है, तो इन सारे जो जितने भी भौगोलिक विषय वस्तु हैं, भौगोलिक संदर्भ में सभी की जानकारी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दिया जा सकता है भूगोल शिक्षण के माध्यम से। आगे हम लोग देख सकते हैं, विद्यार्थी को संसार के विभिन्न महाद्वीपों का सामान्य परिचय देना। इसके बाद है मानव और वातावरण, देश प्रेम एवं विश्व बंधुता की समझ विकसित कराना। जाहिर सी बात है कि आज हम लोग पर्यावरण के स्तर पर भूगोल के जो विषय वस्तु है, भूगोल की जो महत्ता है, वो कहीं ना कहीं अधिक हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से मानव और वातावरण का क्या संबंध होना चाहिए। जब हम एक देश से दूसरे देश के वातावरण से अपडेट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस संदर्भ में देश प्रेम और विश्व बंधुता की समझ भी विकसित होती है। हम ये जान पाते हैं कि दूसरे देश में भी किस तरह से भौगोलिक वातावरण है। आगे हम लोग देख सकते हैं, स्थानीय मानचित्र एवं मानचित्र चित्रण जैसी भौगोलिक कुशलताओं का विकास करना। यानी कि जितने भी हम लोग मानचित्र की सहायता से जो भी भौगोलिक विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसकी समझ को विकसित करने के लिए भी भूगोल शिक्षण की अत्यंत आवश्यकता होती है। लास्ट, हमने यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर हाईलाइट किया है, विभिन्न भौगोलिक प्रकरण जैसे मानचित्र, ग्लोब आदि के प्रयोग के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना। हम लोग ग्लोब के माध्यम से पूरे संसार का अध्ययन करते हैं, मानचित्र के माध्यम से पूरे देश विदेश के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भी भौगोलिक विषय वस्तु है, भौगोलिक दृष्टिकोण है, उसके लिए भूगोल का जो महत्व है वो काफ़ी अहम है। हम इससे कहीं ना कहीं भाग नहीं सकते हैं, और ये जरूरी भी है। अगर प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बैठा के रखना है तो भूगोल का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर भूगोल का क्या महत्व है, इन दोनों ही वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट, फिर अगले वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये एलिमेंट्री सेगमेंट हो गया, हम लोग सेकेंडरी लेवल्स में क्या भूगोल का महत्व है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।